हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि जो लोग बेरोजगार लोग हैं वो लोग कैसे पैसे कमाएं, कैसे खुद का ग्राहक सेवा केंद्र खोलें और बैंक मित्र बने। तो ये पूरे प्रोसेस जानिए, पूरी की पूरी प्रोसेस। अप्लाई करना बिल्कुल भी फ्री है और यहाँ वैकेंसी खाली है। देखिए कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली है और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए बैंक मित्र बनने के लिए, और किस तरह से खुद का ग्राहक सेवा केंद्र खोलें और 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमाएं। तो आइए चलिए देखते हैं। पूरी प्रोसेस देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर आ जाता हूँ। ये इसके ये लिंक मैं आप सबको दे दिया करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है बिकम बैंक मित्र अप्लाई। अप्लाई कर ऐसे करना है टुडे, तो अप्लाई यहाँ ऑनलाइन पर क्लिक करने के साथ ही अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसके बारे में बता दूँ कि आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर। तो यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर जाते हैं और देखिए क्या आता है यहाँ पर। तो यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आईडी प्रूफ चाहिए आपको, कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी होना चाहिए। रेजिडेंशियल के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, बिजनेस एड्रेस के लिए भी यही सब चाहिए। और उसके अलावा 10 पास होने चाहिए, आपकी योग्यता ज़रूर होनी चाहिए कि आप 10 पास हों। और इसके बाद देखिए पासबुक की कॉपी चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए और इसके बाद चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 कॉपी। तो किस तरह से इसे अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली है, तो वैकेंट प्लेस पर हम जाते हैं और यहाँ वैकेंसी देखते हैं कि कहाँ वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब स्टेट दिया हुआ है जहाँ पर वैकेंसी खाली है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए यहाँ पर वैकेंसी खाली है और पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में भी वैकेंसी खाली है। तो चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर अपना जिले का देखना है कि वैकेंसी जिले में आपकी कितने खाली है। तो यहाँ देखिए खुलकर आ गया है उत्तर प्रदेश के इटावा में, देखिए वैकेंसी खाली है। इसके बाद देखिए गाजीपुर में है, शाहजहांपुर में है, गोंडा में है, अमेठी में, ललितपुर। तो इस तरह से दिया हुआ है, इसमें आप अपना सर्च करके देख लें कि आपका कौन सा जिला है और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है इसे। और अप्लाई करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें एक फिक्स सैलरी है, ये इसमें क्या क्या सर्विस मिलेगा। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट बैंक का सिस्टम मिलेगा आपको, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना और भी साथ में जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये सब मिलेगा। और इसमें कमीशन कितना मिलेगा, तो कमीशन के बारे में आपको बता दूंगा मैं। तो कमीशन इसमें पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है, 2 हज़ार से 5 हज़ार तक आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। तो ये फिक्स सैलरी मिलेगी, इसके अलावा आप 30 से 40 हज़ार आपको कैसे कमाना है ये मैं बताता हूँ। आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जितने भी लोगों का, जितने भी कस्टमर का आप अकाउंट खोलेंगे तो उस पर आपका एक फिक्स कमीशन मिलता है। जो भी एक अकाउंट खोलने पर 20 रुपये, इस तरह से आपको अगर 10 अकाउंट खोलते हैं तो 200 रुपये एक दिन का आपका बन जाता है। और साथ ही साथ लेन देन करते हैं तो उसका आपका अलग से कमीशन मिलते जाएगा जो कि आपके सैलरी में जोड़ते जाएगा। और इस तरह से 30 से 40 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं महीना में। तो इसे अप्लाई किस तरह से करना है, तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पर देख लीजिए है दिया हुआ। तो क्लिक हियर पर आप कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट खुलकर आ जाएगा आपका पेज कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ पर अपना नाम डालिए, मिस्टर मिसेस जो भी हैं, यहाँ एप्लीकेंट नंबर, आवेदन, यहाँ मेल है तो मेल डालिए, डेट ऑफ बर्थ, फिर नीचे देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, दूसरा फ़ोन नंबर भी डालना है इसमें। और इसके बाद देखिए क्या है, आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपसे थोड़ा सा और डिटेल मांगा जाएगा और फिर कंफर्म करने के लिए आ जाएगा। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो कुछ देर के बाद या फिर 24 घंटे के अंदर में आपके पास एक कॉल पहुंचेगा। और उस कॉल आपके पास कॉल पहुंचेगा, फोन आएगा, तो आपको वहां पर सीधे बात करना है कि आप किस जिले से हैं और आपको वहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट है। आप वहाँ से जो भी कॉल आएगा उससे पूरी तरह से आप पूछ सकते हैं। तो
इस तरह से आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी बातें और जानना हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या सुझाव लेना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।